आप सभी से निवेदन है कृपया यह अभिवादन स्वीकार करें। भारत के इस शहर का, राजनीति के चाणक्य का मेरा निवेदन आप सभी से, यह जनसैलाब बन रहा है, आपका अभिवादन लगा हुआ यह केसरिया माला पहना करके स्वागत किया जा रहा है। मेरा अनुरोध जिलाध्यक्ष श्री कर्ण सिंह जी नेत्रा से कि वो कृपया दुपट्टा पहना दें, सभी उम्मीदवारों को साथ में लेकर 101 किलो की आप भारत माता की, भारत माता की। टीवी वाले जरा सेट कर कर बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ भैया। मंच पर उपस्थित जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान करण सिंह जी, यहाँ के सांसद और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री श्रीमान पीपी चौधरी जी मेरे साथ पधारे, सिरोही के सांसद श्रीमान देवजी भाई पटेल जी आज यहाँ पर, जिनको जिताने के लिए मैं आया हूँ, पाली के प्रत्याशी ज्ञानचंद पारेख जी, अजय ज्ञानचंद जी, सोरगढ़ की प्रत्याशी श्रीमती शोभा जी, सुमेरपुर के प्रत्याशी जोराराम कुमावत जी, मारवाड़ के प्रत्याशी श्री केसाराम चौधरी जी, पाली के सभापति महेंद्र बोहरा जी, मांगीलाल जी, जीशुलाल जी, सुमिता राजपुरोहित जी, दिग्विजय सिंह जी, खीवाराम चौधरी जी, भवर चौधरी जी, रूप सिंह रावत जी, और आज पाली की भूमि पर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्र, मित्रों, आज सुबह से मैंने राजस्थान में प्रचार शुरू किया है। पहले मैं राजस्थान के लगभग 12 जिलों पर संभाग की बैठक कर चुका हूं और आज सुबह से मैं जो जन सैलाब देख रहा हूं, ये मीडिया वाले कुछ भी कहे, राजस्थान की जनता भरोसा न करे। 11 तारीख को यहां पर डंके की चोट पर भाजपा सरकार बनने वाली है। मित्रों, ये पाली दुनिया भर के योद्धाओं में सबसे ऊपर जिसका नाम है, ऐसे अजय योद्धा महाराणा प्रताप का नैनी हाल है। यहाँ पर सन 1957 में अंग्रेजों को चुनौती देने वाले वीर योद्धा ठाकुर कुशाल सिंह की भी ये पाली जन्मभूमि है और द्वितीय विश्व युद्ध में हेफा को जर्मनी से मुक्ति दिलाने वाले मेजर दलपत सिंह जी की भी एक कर्म भूमि है और हमारे ओम जी भाई साहब भी यहीं से आते हैं। मित्रों, आज मैं पाली की जनता से, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के बारे में आपसे बातचीत करने आया हूं। मित्रों, अभी अभी मैं मैंगलोर से छत्तीसगढ़ जा रहा था, विमान में थोड़ी देरी थी तो वेटिंग रूम में चला गया, वहां टीवी पर राहुल बाबा दिखाई पड़े। अरे क्यों हंस रहे हो भाई? और राहुल बाबा भाषण कर रहे थे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में
कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। तो मैंने ऊपर देखा दिन है या रात है, तो दिन ही था। मुझे बताओ पाली वालों कि स्वप्न देखने की तो छुट्टी सबको है, मुझे भी है, आपको भी है, राहुल बाबा को भी है। दिन में देखते हैं क्या? देखते हैं। ये राहुल बाबा को स्वप्न आता है कि राजस्थान में उनकी सरकार बनेगी। अरे राहुल बाबा, जब से 2014 से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, देश के चुनावी इतिहास को उठाकर देख लो, तनिक अकल है ऐसे एडवाइजर रख लो। जितने चुनाव हुए हैं, एक चुनाव का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है। आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी को दूरबीन लेकर ढूंढने पड़े, भारत के नक्शे पर ऐसी स्थिति हो गई है। पाली वालों, आपको तो मालूम है, मगर मैं राहुल बाबा को गिनवाना चाहता हूं। गिना दूं? बताऊं? जोर से बोलो, गिनवा दूं? तो आप भी मेरे साथ बोलना जरा जोर से। 14 के बाद मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद जितने भी चुनाव देश के अलग अलग राज्यों में आए, क्या स्थिति आई मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहला चुनाव महाराष्ट्र में आया, कांग्रेस गई, भाजपा आई। मेरे साथ बोलेंगे आप लोग? पहला चुनाव महाराष्ट्र कांग्रेस गई, चौथा चुनाव कश्मीर कांग्रेस गई, पांचवा चुनाव आसाम कांग्रेस गई, छठा चुनाव मणिपुर कांग्रेस गई, सातवा चुनाव मेघालय कांग्रेस गई, आठवा चुनाव नागालैंड कांग्रेस गई, नौवा चुनाव त्रिपुरा कांग्रेस गई, दसवा चुनाव हिमाचल कांग्रेस गई, ग्यारहवा चुनाव उत्तराखंड कांग्रेस गई, बारहवा चुनाव उत्तर प्रदेश कांग्रेस गई, 13वां चुनाव गुजरात फिर से भाजपा आई, 14वां चुनाव गोवा फिर से भाजपा आई, अब राजस्थान में वारी है। बताओ भाई क्या होगा? जरा जोर से बोलो क्या होगा? मित्रों, राहुल बाबा को मालूम नहीं है देश के 19 राज्यों में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली, और देश के 70% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का भगवा शान के साथ लहरा रहा है। मित्रों, शान के साथ लहरा, और उनको सपना थे राजस्थान में सरकार बनाने के। अरे राहुल बाबा, ये सुंदर सिंह भंडारी और भैरव सिंह शेखावत की भूमि है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंगद का पांव है, इसको कोई हिला नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। और मित्रों, किस आधार पर ये सरकार बनाने की बात करें? चार चार पीढ़ी तक शासन किया राहुल बाबा, आपके परिवार के चार पीढ़ी तक आपने शासन किया। जवाहरलाल नेहरू ने किया, इंदिरा गांधी ने किया, राजीव गांधी ने किया, सोनिया जी ने किया, आप भी लाइन में खड़े हो, मगर देश की जनता के अंदर विकास के काम आपने कोई नहीं किए। तो नहीं राहुल बाबा के जवाब देने की, मगर ये पाली की जनता हमारी माई बाप है, मालिक है। मैं पाली वालों को जवाब देना है, पाली वालों को जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए? भाई बताओ, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? मित्रों, जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई, हर 15 दिन में कोई न कोई योजना लेकर नरेंद्र मोदी सरकार आई है, और इसके कारण ढेर सारी योजनाएं, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना, अटल सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा, मेक इन इंडिया। अरे भाई, अभी 12 हुए हैं, 12 में आपने ताली बजा दी। मित्रों, देश में जब से बोलो भारत माता की, देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार आई है, देश के 5.5 करोड़ गरीब महिलाओं को
फ्री ऑफ कॉस्ट गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 8 करोड़ घरों में शौचालय बनाकर माँ बहनों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 2.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई है, 19,000 गांवों में बिजली पहुंचाई है, 2 करोड़ लोगों को घर देने का काम समाप्त कर दिया है, 13 करोड़ सगर्भा माताओं को टीका लगाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदा समाप्त किया है, और 13 करोड़ युवाओं को मुद्रा बैंक की लोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। राजस्थान में भी भामाशाह स्वास्थ्य योजना के तहत 24 लाख लोगों को स्वास्थ्य लाभ हुआ, उज्ज्वला में 47 लाख लोगों को गैस मिला, मुद्रा बैंक में 50 लाख को लोन मिला, प्रधानमंत्री आवास 13 लाख, सारी माताओं बहनों को 50 लाख टेलीफोन मोबाइल देने का काम ये वसुंधरा राजे सरकार ने किया है। कॉलेज के युवाओं को लैपटॉप, कॉलेज की युवतियों को स्कूटी, 11 लाख बेटियों को राजश्री योजना का फायदा, प्रधानमंत्री फसल बीमा, 43 लाख किसानों को इसका फायदा पहुंचा, और कई लाख किसानों को 50,000 तक का बैंक का लोन और सूद दोनों माफ करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। और ये हमें पूछते हैं हमने क्या किया। मित्रों, ये यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, मौनी बाबा मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, राजस्थान को क्या देते थे? पायलट साहब जरा हिसाब लेकर आना पाली वालों के सामने। 10 साल तक आपकी सरकार थी, आपने क्या दिया? आपके शासन में 13th फाइनेंस कमीशन आया, 13th फाइनेंस कमीशन के तहत आपने 1,09,242 करोड़ रुपया दिया। मैं फिर से बोलता हूं, जरा ध्यान से सुनेगा, 1,09,242 करोड़ रुपया कितना दिया भाई? अब नरेंद्र मोदी सरकार आई, नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने 14वें वित्त आयोग में 1,09,000 से बढ़ाकर 2,63,580 करोड़ रुपया राजस्थान। आप हमें कह रहे हो, और हमने जो ये 2,63,000 करोड़ रुपया दिया है ये राजस्थान की जनता पर उपकार नहीं किया है। राजस्थान की जनता हमारी माई बाप है, हमने उनको उनका अधिकार देने का काम किया है, मगर आप उनको अपना अधिकार नहीं देते। हमारा हिसाब मांगते हो, ये 2,63,000 करोड़ के अलावे 36,000 करोड़ रुपया और देने का काम, और पेट्रोल रिफाइनरी में और 30,000 करोड़ देने का काम, कुल मिलाकर 3,40,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर अंतरिक्ष होता है, बाद में आकाश होता है, बाद में भूमि होती है, बाद में दरिया होता है, सागर होता है, और नीचे पाताल होता है। अंतरिक्ष में उन्होंने 2G और इसरो का घोटाला किया, आकाश में वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किया, भूमि पर आदर्श सोसाइटी का घोटाला किया, यहाँ सबमरीन खरीदने का दरिया में घोटाला किया, और पाताल में कांग्रेसी कोयला भी चोर कर खा गए। सभी जगह भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी आज हमारा हिसाब मांग रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी अभी बीकानेर के अंदर एक कांग्रेस के प्रत्याशी पर्चा जाने डालने जाते थे, साथ में एक भोले टाइप का नया ही कांग्रेस में आया होगा, वरना ऐसी हिम्मत कैसे करता। उसने कहा भारत माता की जय। सब हड़कंप मच गया, प्रत्याशी ने उसको बुला लिया, इसके कान में कुछ कहा, वो तुरंत बोलने लगा सोनिया गांधी की जय। अरे डूब मरो कांग्रेसियो, चुल्लू पर पानी में डूब मरो, भारत माता की जय बोलते हुए शर्माती है तो देश
उसका अनाज और पानी खाने का आपको कोई अधिकार नहीं है, कोई। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। अगर हमारे देह में प्राण नहीं रहा, हमारा देह जमीन पर पड़ा होगा, कोई कार्यकर्ता जोर से नारा लगाएगा भारत माता की जय, तो दो क्षण देह में प्राण वापिस आ जाएगा और हम बोल पड़ेंगे भारत माता की जय।